खरीदने और बेचने के बारे में। बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन है कि ऑप्शन खरीदने के लिए बहुत सारे ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, लाख दो लाख रुपए के लिए, और उसी तरह से ऑप्शन बेचने के लिए भी। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि ऑप्शन खरीदे और बेचे कैसे जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो एक बिगनर लेवल के लिए होने वाला है, अगर आप थोड़ा जानते हैं इसके बारे में तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगने वाली है या इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल आप इसमें जोड़ना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा और अच्छे से बताने की कोशिश की है, तो आप यहाँ पे इस वीडियो में बने रह सकते हैं। मेरा नाम है सिख जही, आप देख रहे हैं टेक मजा, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ऑप्शन खरीदे और बेचे कैसे जाते हैं, इसके लिए हमने एक वीडियो बताया हुआ है कि ऑप्शन एक्चुअली होता क्या है, कॉल और पुट क्या होता है। कॉल और पुट ऑप्शन का ही एक पार्ट है, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सिर्फ ऑप्शंस के बारे में, ना कि फ्यूचर के बारे में। तो सबसे पहले हम ऑप्शंस की कैटेगरी की डिवाइड कर लेते हैं। तो हम ऑप्शंस को अगर हम यहाँ पे इस तरह से देखें, ऑप्शंस को अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन हमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडेक्स ऑप्शन होता है और दूसरा होता है स्टॉक ऑप्शन। अब इंडेक्स ऑप्शन में हमें क्या, दो इसके दो पार्ट्स हो सकते हैं, होते हैं, एक होता है बैंक निफ्टी और दूसरा होता है निफ्टी। और स्टॉक ऑप्शन में क्या होता है, स्टॉक ऑप्शन में आपका इक्विटी आता है, यानी कि जैसे हम TCS, टाइटन। अब देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ कंपनीज है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में करीब 12 प्राइवेट हैं और करीब करीब 10 सरकारी बैंक मिलकर के बैंक निफ्टी बनाते हैं। उसी तरह से निफ्टी 50 में 50 कंपनीज होती हैं जो टॉप अच्छी परफॉर्मर कंपनीज होती हैं, उनको निफ्टी 50 में डाला जाता है। उसी तरह से टॉप ये बैंक्स होते हैं, बैंक का इंडेक्स होता है जिसमें PSUs और गवर्नमेंट सॉरी प्राइवेट दोनों बैंक होते हैं। अब ये तो बात हो गई कि इंडेक्स ऑप्शन की, ऑप्शंस को मैंने दो पार्ट्स में बांटा, इंडेक्स ऑप्शन स्टॉक ऑप्शन। इंडेक्स ऑप्शन में बैंक निफ्टी आता है, निफ्टी आता है। बैंक निफ्टी सरकारी और प्राइवेट बैंकों से मिलकर बना है और निफ्टी की 50 कंपनियों से मिलकर के बना हुआ है। स्टॉक ऑप्शन में क्या होता है, इक्विटी आता है, जैसे TCS या टाइटन या कोई भी कंपनी, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, ये सब स्टॉक ऑप्शन में आते हैं। अब देखिए, अब ऑप्शन की हम दो कैटेगरी में कर सकते हैं। ऑप्शंस को खरीदने और बेचने के लिए क्या होते हैं, एक होता है ऑप्शन बायर, वो क्या करता है ऑप्शंस खरीदता है, और दूसरा होता है ऑप्शन सेलर। दोस्तों ऑप्शंस बायर ज्यादा पैसा कमाता है या ऑप्शन सेलर पैसा कमाता है, इसके ऊपर आप मुझे कमेंट करिएगा तो मैं एक अलग वीडियो बनाता हूं, ठीक है। आप प्लीज कमेंट करिए, आपको ये वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके अभी कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, कि ऑप्शंस बायर अच्छा पैसा कमाता है या ऑप्शन सेलर। मैं ऑप्शंस बायर वर्सेस ऑप्शन सेलर के ऊपर एक वीडियो बना देता हूं। तो अभी हम बात करने वाले हैं यहां पे, या इस वीडियो में हम ये ऑप्शंस कौन पैसा कमाता है ज्यादा, ये अभी इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि ऑप्शंस बायर्स कौन होते हैं और ऑप्शंस सेलर्स कौन होते हैं। देखिए ऑप्शन बायर वो होता है जो ऑप्शंस खरीदता है। तो आप यहाँ पे मैंने बताया कि लॉट साइज के हिसाब से, और ऑप्शन सेलर वो होता है जो ऑप्शंस को सेल करता है, जिस तरह से आप इक्विटी को सेल करते हैं। तो सपोज आप यहाँ पे बैंक निफ्टी को मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिया हुआ है, एक डैशबोर्ड में लगाया हुआ है। तो जैसे कि मैंने आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे बैंक निफ्टी की मैंने 27,500 की एक कॉल को यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको 27,500 को का जो इसका प्रीमियम जो चल रहा है वो 12.60 रुपए चल रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी की जो लॉट साइज आ रही है कितनी है। बैंक निफ्टी की लॉट साइज आ रही है 25, और 25 को अगर हम 12.60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना पैसा आएगा आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करने पे देख रहे हैं करीब करीब 315 रुपए आते हैं। उसी तरह से आप देखिए, अगर हम इक्विटी में चले जाते हैं और इक्विटी में देखते हैं, जैसे कि मैंने टाइटन की एक कॉल को लगाया हुआ है, टाइटन का जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है वो 1200 रुपए के आसपास चल रहा है, लेकिन मैंने और ऊपर की कॉल को ऐड किया है, तो और ऊपर की कॉल को ऐड करने फिर 1280 की कॉल को ऐड किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टाइटन की जो लॉट साइज है वो 750 रुपए है, ठीक है। अब 750 रुपए को अगर हम यहाँ पे इसके प्रीमियम जो चल रहा है इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसके
इस वैल्यू से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपको 34 रुपए दिख रहा है इससे नहीं, हम इसके प्रीमियम से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रीमियम है 0.55, तो हम इसको 750 को, अगर देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, इसके जो लॉट साइज है 7 725, 750 को 0.55 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब 412 रुपए आते हैं। उसी तरह से हम देखिए टाइटन का दूसरा एक पुट मैंने दे रखा है, तो पुट का जो प्रीमियम चल रहा है वो 3 रुपए 80 पैसे चल रहा है, तो हम 750 को अगर हम 3 रुपए 80 पैसे से मल्टीप्लाई करते हैं तो करीब करीब कितना आ जाता है, जो भी कर लीजिएगा, मुझे अभी कुछ एग्जैक्ट फिगर नहीं आ रही, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैंने रफली इसको कर दिया ऐसे ही। और ये देखिएगा, ये मुझे लगता है 2500 रुपए, करीब 2800 रुपए कुछ आता है, ठीक है 2800 रुपए आ रहा है, हाँ 2800 रुपए आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, तो आपको 2800 रुपए की ये प्रीमियम मिलेगी और आपको ये 412 रुपए की मिलेगी। लेकिन अब मेरा वीडियो का एक टाइटल दोस्तों है कि क्या अब आप 10 रुपए में भी प्रीमियम खरीद सकते हैं, और बैंक निफ्टी में, देखिए वो निफ्टी में पॉसिबल है, बैंक निफ्टी में पॉसिबल है, आप 10 रुपए की प्रीमियम खरीद सकते हैं। वो कैसे, देखिए ये जो एक्सपायरी लगाई है मैंने, आज जो वीडियो बना रहा हूँ ये एक्सपायरी है करीब 15 अक्टूबर की, और 15 अक्टूबर के बाद अगर ये एक्सपायरी के दिन देखिएगा कि प्रीमियम अगर 1 रुपए का आ गया, तो 1 रुपए वो मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो आपको 25 रुपए देने पड़ेंगे। उसी तरह से ये प्रीमियम अगर ये 50 पैसे पे आ गया, तो यानी कि 50 पैसे मल्टीप्लाई 25, तो आपको जो है 12 रुपए पे करने पड़ेंगे। उसी तरह से अगर ये प्रीमियम 40 पैसे का आ गया तो आपको 10 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो यानी कि 10 रुपए की आपको एक लॉट मिलेगी, समझे? तो 10 रुपए की जब एक लॉट मिलेगी, चलिए हम यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में लेके चलते हैं अपने, जैसे जैसे बैंक निफ्टी की एक लॉट का साइज है, बैंक निफ्टी की एक लॉट का साइज है 25 रुपए, ठीक है? तो आप 25 मल्टीप्लाई, अगर उसका जो प्रीमियम जो आज की एक्सपायरी के दिन आ गया, मान लीजिए 40 पैसे, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 10 रुपए आ गया, ठीक है? अगर 10 रुपए के हिसाब से आपको एक लॉट सॉरी पड़ी 10 रुपए की, और 10 को अगर आपने 10 लॉट उठा लिया, कितना पड़ा, 100 रुपए, 100 रुपए के 10 लॉट आ गए। आप सोचिए इसमें से आपका डिपेंड करता है लक के ऊपर कि आपको हो सकता है ये 40 पैसे का प्रीमियम जो है 1 रुपए पे चला गया, तो आपका पैसा डबल हो जाएगा, आपको 120 रुपए तक मिल जाएंगे। उसी तरह से नहीं तो ये खट से आपका पैसा 0 भी हो जाएगा यहाँ पे। तो ये बात हो गई। अब देखिए स्टॉक्स के प्रीमियम की बात करते हैं। स्टॉक के प्रीमियम पे जैसे बात की, मान लिया जैसे कि मैंने आपका टाइटन का एक एग्जाम्पल लिया, टाइटन का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 750 रुपए है, ठीक है, 750 रुपए लॉट साइज है, लॉट साइज, ये सॉरी लॉट साइज है। तो इसका जो स्ट्राइक प्राइस आ रहा है वो 3 रुपए 80 पैसे आ रहा है, तो 3 रुपए 80 पैसे को मैं इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब करीब आएगा 2850 रुपए, ठीक है, 2850 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। अब क्या होगा, जैसे जैसे 1 पॉइंट पड़ेगा तो आपको 750 रुपए मिलेंगे, और 1 पॉइंट नीचे जाएगा तो आपको -750 रुपए कट जाएंगे। तो उसी तरह से ये ऑप्शंस में, ऑप्शन बाइंग में ये रिस्क होता है, लेकिन ऑप्शंस बायर को फायदा ज्यादा होता है। अब देखिए यहाँ पे दूसरी बात क्या, ऑप्शन सेलिंग की बात आ रही है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग के लिए काफी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है आपको, एक लॉट के लिए कम से कम, नहीं तो हर ब्रोकर कल आज जरोधा की बात करें वो तो 30-30,000 चार्ज करता है, और ये इंट्राडे के लिए होता है केवल। अगर आपको डिलीवरी में लेना है तो हो सकता है ये आपको 1 लाख रुपीज तक का प्रीमियम चार्ज करना पड़ेगा। क्यों, ये क्यों होता है, एक्चुअली होता ये है कि सपोज आपने 40 पैसे का प्रीमियम है, ठीक है, आपने ये सोच करके इसको सेल कर दिया कि इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, आपने ये सोचा कि इसकी वैल्यू डेफिनेटली 0 हो जाएगी, आपने इसके 10 लॉट सेल कर दिए, लेकिन ये 0 नहीं होगी, मे बी ये 40 पैसे का प्रीमियम मिल करके 2 रुपए हो गया, तब आपका लॉस कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो गया। कभी कभी बैंक निफ्टी में ऐसा हो देखा गया है, खासतौर से एक्सपायरी के दिन, कि 40 पैसे या 25 पैसे का जो प्रीमियम है वो चला जाता है 15 रुपए या 20 रुपए तक। तो
उस समय आपको अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा, या मतलब मैं कह रहा हूँ कि 40 रुपए का प्रीमियम नहीं, हम 5 रुपए का प्रीमियम मान के चलते हैं, 5 रुपीज का प्रीमियम है और आपने जो है ये माना कि ये एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाएगा, लेकिन 5 रुपए का प्रीमियम मान लीजिए वो 250 तक चला गया, तो वहां पे कितना रिस्क होगा? अनलिमिटेड रिस्क। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, इसलिए यहाँ पे ब्रोकर को आपको ज्यादा पैसे देने होंगे वो सिक्योरिटी के तौर पर, तो ब्रोकर आपसे सिक्योरिटी के तौर पर हाई मतलब पैसे मांगता है, तो यहाँ पे आपका जो रिस्क होता है वो रिस्क काफी हाई होता है, तो ऑप्शन सेलर्स को रिस्क बहुत ज्यादा होता है ऑप्शंस बाइंग के कंपैरिजन में। तो खैर मेरा मेरा यहाँ इस वीडियो में बताने का मकसद ये है कि ऑप्शंस बाइंग कैसे किए जाते हैं, ऑप्शन सेल कैसे किए जाते हैं। ये छोटा सा वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा, आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अकाउंट ओपन कर लें। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।